स्वतंत्रता दिवस के मौके पर असली चांदी जम्मू कश्मीर के लोगों की होती नजर आ रही है। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो बातें कही उनसे तो कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अपने संबोधन में मनोज सिन्हा ने एक तरह से जम्मू कश्मीर के लिए अपने मास्टर प्लान की एक छोटी सी झलक भर दी है, लेकिन इस छोटी झलक का असर बहुत व्यापक नजर आ रहा है। आइए आपको कश्मीर को लेकर मनोज सिन्हा की तैयारी का एक नजारा दिखाते हैं। मनोज सिन्हा ने उपराज्यपाल के रूप में अपना पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह संदेश दिया। वैसे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर की स्थिति में आमूलचूल बदलाव लाने के लिए 5 सूत्र दिए, लेकिन हम संक्षेप में सीधे आपको उनके असल मास्टर प्लान की तरफ लेकर चलते हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 11,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, 10,000 खाली पदों पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, यानी इन दोनों को जोड़ दे तो 21,000 नौकरियों का सृजन होता दिखाई दे रहा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कुल आबादी ही 1.25 करोड़ है। छोटे से प्रदेश में 21,000 सरकारी नौकरियों का सृजन एक बड़ी बात है। आप कल्पना कीजिए कि इसी रेशियो में अगर यूपी में नौकरियों का सृजन हो तो झटके में लाखों लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाए। जम्मू कश्मीर को लेकर आजादी की पूर्व संध्या पर खुला मनोज सिन्हा के पिटारे से केवल नौकरियों वाली बात ही नहीं निकली। मनोज सिन्हा ने यह भी बताया कि वो पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत घोषित किए गए पैकेज से राज्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए लाने की तैयारी में भी हैं। मनोज सिन्हा ने निवेश आकर्षित करने की तैयारी कर ली है। इसके तहत शिक्षा केंद्र, आईटी हब और मेडिसिटी डेवलपमेंट करने की तैयारी है, यानी पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स की मदद से भी हजारों की संख्या में रोजगार का सृजन होना है। मनोज सिन्हा ने ऐलान किया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जेके हेल्थ स्कीम के तहत सूबे के 1 करोड़ लोग शामिल किए जा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं थे, अब उन्हें भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा, यानी जम्मू कश्मीर का हर आदमी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में होगा। मनोज सिन्हा ने इन ऐलानों से एक बार फिर साफ किया है कि दिल्ली से उन्हें एक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए भेजा गया है और वो इस दिशा में जुट गए हैं। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।